भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने गुरुवार की गीता प्रेस का अवलोकन किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की छपाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों का अवलोकन किया। इस दौरान गीता प्रेस के ट्रस्टी देवीलाल पटवा, लालमणि त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि गीता प्रेस की पुस्तकों की डिमांड पूरे विश्व में है, इतनी सस्ती पुस्तकें कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस पूरे विश्व में वंदनीय नाम के रूप में जाना जा रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, कंप्यूटर टू प्लेट का लेटेस्ट वर्जन है और आज के टाइम में पुरानी टेक्नोलॉजी से इसकी लागत कम पड़ती है और काम को ज्यादा फास्ट रूप में कर सकते हैं। ये मशीन अभी 6 महीने पहले इंस्टॉल हुई है। कल भी थे, आपकी गाड़ी खड़ी थी, हम संजोग से नहीं मिल पाए थे। ये सब भाषाओं में निकाल रहे हैं, हिंदी सजेंद भी प्रकाशित किया गया है इसको, और ये मूल भी और अर्थ सहित भी हमने ये अर्थ अंग्रेजी में है, ये अर्थ हिंदी में है, इसमें काम और कर दिया गया है, इसमें ये दिया गया है और इसको इंडो रोमैनिक में ये भी बता दिया है ताकि ये ड के नीचे ये बिंदी जो लगा दी गई है इससे ड हो जाए ना हो जाए, इसका पूरा होगा शुरू हो जाए उनको शुरू किया गया था, इसका उच्चारण जो है इस तरह से करना है। अब यहाँ गंगा न मन होता है इसमें, ये देखिए ये के लिए ऐसा प्रयोग होता है, ना के लिए ऐसा प्रयोग होगा, दुनिया के लिए ना के लिए ये है, ना के लिए है, ना के लिए ये सर है, ये सर के लिए हिंदी इस रूप में प्रकाशित कर इस तरह से इसका मूल्य शायद 35 रुपये आ गया, नहीं इसका विदाउट जल्द का हिंदी अंग्रेजी तेलुगु नहीं हिंदी अंग्रेजी संस्कृत ये तीन था, साउथ की चारों भाषा मलयालम कन्नड़ और मलयालम ये चारों हो गई, गुजराती मराठी हो गई, बीच की भाषा इसके बाद उड़िया बंगला असमिया इधर पूरा की दोनों भाषा हो गई, इधर की पंजाबी हो गई, उर्दू हो गई, नेपाली हो गई, देखिए जिस प्रकार से गीता प्रेस ने प्रगति किया है लेकिन अपनी पुरातनता को बनाए रखा है। आज सभी नई मशीनों के साथ प्रिंटिंग आ रही है और जहां हजारों में था आज वो लाखों में छप रही है, और भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर भी गोरखपुर को कोई जाने चाहे ना जाने गीता प्रेस को जानता है और गीता प्रेस के माध्यम से गोरखपुर को मिलता है। तो इस नाते मैं ये कह सकता हूँ कि बीच में जिन कुछ लोगों ने पुस्तकों के बंद होने की बात और सब हम लोगों से भी लोग पूछा करते थे क्या बंद होने जा रहा है क्या, आज मुझे देख कर के ये प्रसन्नता हुई कि ये कभी बंद नहीं होगा और अच्छे संख्या में और
अच्छे छपाई के साथ लोगों को अभी पुस्तकें मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने कुछ के बाद भी इतनी सस्ती पुस्तकें जो गीता प्रेस देता है शायद विश्व में कोई नहीं दे पाता है। यही सबसे बड़ी खूबी है कि आज इसके माध्यम से लोगों में संस्कार, धर्म की जानकारी, ऋषि मुनियों की जानकारी, अपने परिवार की जानकारी ये होती है। मैं अत्यंत आज प्रसन्न हूँ कि गीता प्रेस प्रबंधन ने मुझे वह अवसर दिया कि मैं इस पूरे परिसर को नई नई मशीनों के साथ, प्रिंटिंग के साथ देख सका। और ये बढ़े यह हमारे पूरे समाज का, हमारे देश का, और समझिए आगे आने वाले समय में विश्व का भी भला होगा। अंतरी जी देखा जाए तो काफ़ी भाषाओं में इसका डिमांड है, कई भाषा में लोग इसकी डिमांड है। भाषाओं में छप रही है, कितनी भाषाओं तो अभी तक छपने का है अभी देखिए। तेलुगु की भाषा तो मैं अभी देख के आया हूँ, जो दो वर्ष तीन वर्ष से इन लोगों को पढ़े होते हैं, इन लोगों ने के प्रयास से आज वो छप रही है। आज गीता प्रेस 15 भाषाओं में अपनी पुस्तकों को छापता है और गीता प्रेस प्रत्येक प्रांतों में अपने अलग अलग विक्रय केंद्र रखे हुए हैं जहाँ से पुस्तकें जाती हैं। सब लोग जिस भी प्रदेश में हम लोग जाते हैं प्रवास करने के लिए दौरे पर, तो कहीं कहीं गीता प्रेस जरूर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेशन पर कुछ और ना मिले, गीता प्रेस जरूर मिल जाएगा। तो गीता प्रेस ऐसा नाम हो चुका है कि वह विश्व में वंदनीय नाम के रूप में जाना जाता है।